बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म। पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट वे और सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस किया था। सो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम हिस्ट्री देखेंगे, डिफरेंट मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे थर्ड वेव के, और मेजर प्रोपोनेंट्स, गोल्स और क्रिटिसिज्म जो इस पर हुई थी थर्ड वेव पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म। थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म इज एक्चुअली अ फेमिनिस्ट मूवमेंट दैट बिगेन इन द अर्ली 1990s, प्रोमिनेंट इन द डिकेड्स प्रायर टू द फोर्थ वेव। अब ये फोर्थ वेव का एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड वेव को डिस्कस कर रहे हैं। सो थर्ड वेव की जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे बता दी गई है कि 1990s में हुई है, ठीक है। मतलब 1990s से थर्ड वेव की शुरुआत होती है। ग्राउंडेड इन द सिविल राइट्स एडवांसेज ऑफ द सेकेंड वेव, जनरल एक्स थर्ड वेव फेमिनिस्ट्स बॉर्न इन द 1960s एंड 1970s एम्ब्रेस्ड डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिज्म इन वुमेन एंड सॉट टू रीडिफाइन व्हाट इट मेंट टू बी अ फेमिनिस्ट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है कि जो थर्ड वेव के जो फेमिनिस्ट थे उनकी ज़्यादातर जो बर्थ हुई है वो 1960s और 1970s के बीच में, ठीक है। मतलब इनकी जो एज थी जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तकरीबन यही 30 एज या 35 एज में इन्होंने ये थर्ड वेव जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे एक करेक्टर भी है, एक पिक्चर है आप देख रहा है। ये करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जो हम कह सकते हैं कि थर्ड वेव की शुरुआत होती है। इसका नाम है अनीता हिल। अनीता हिल जो है ये एक अफ्रीकन थी, मतलब अमेरिका में रहती थी, ब्लैक वुमेन थी। तो इसी की वजह से अभी अगर हम देखें तो आगे क्या है कि द थर्ड वेव इज़ ट्रेस्ड टू अनीता हिल्स टेलीविज्ड टेस्टिमोनी इन 1992 ऑल मेल ऑल वाइट सैनेट जुडिशरी कमेटी दैट द जज क्लैरेंस थॉमस हैड सेक्सुअली हरास्ड हर, ठीक है। मतलब ये जो करेक्टर थी अनीता हिल, इसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि थर्ड वेव की शुरुआत होती है। इसे जो है हरास किया गया था, एक जज ने किया था, ठीक है, जिसका नाम था थॉमस, ठीक है, क्लैरेंस थॉमस। द टर्म थर्ड वेव इज क्रेडिट टू रेबिका वॉकर। अब यहाँ पर एक और करेक्टर हमारे सामने आता है, इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है, मतलब ये जो थर्ड वेव, ये रेबिका वॉकर को दिया जाता है। एलिस वॉकर का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो ये उसकी बेटी थी, ठीक है। हु रिस्पॉन्डेड टू थॉमस अपोनेंट टू द सुप्रीम कोर्ट विद एन आर्टिकल इन एमएस मैगजीन बिकमिंग द थर्ड वेव इन 1992। तो यहाँ पे आप देख सकते कि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम ही इन्होंने क्या रखा, बिकमिंग द थर्ड वेव। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1992 की बात है, तो यहाँ से जो एक किस्म का शुरुआत हो रहा है थर्ड वेव का। ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट द सिंगल इंसिडेंट दैट स्टार्टेड द थर्ड वेव, देर आर टू इवेंट्स दैट आर ट्रेडिशनली क्रेडिट विद इंस्पायरिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। द फर्स्ट वन वॉज द 1999 अनीता हिल हेरिंग्स, ठीक है। तो ये इसको जो है अदालत में पेश किया जाता है, फिर ये जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने इनके साथ हुआ था, जो हरास किया गया था, इसकी हेयरिंग्स होती है। आपको पता है अदालत का जो सिस्टम होता है, ठीक है। थर्ड वेव लिटरेचर को अगर हम देखें, ये केस हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको मुकम्मल हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहाँ मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, क्योंकि ये जब आपको समझ आएगी अनीता हिल की स्टोरी तो आप ओबियसली बहुत कुछ थर्ड वेव के बारे में जान सकेंगे। ये तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी, लेकिन हम देखते हैं कि थर्ड वेव लिटरेचर है क्या। राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वेव फेमिनिस्ट स्कॉलर स्टार्टेड टू पब्लिश न्यू लिटरेचर दैट हेल्प्ड रीडर्स बेटर अंडरस्टैंड फेमिनिस्ट थीरी। तो यहाँ पे थर्ड वेव लिटरेचर की शुरुआत होती है ताकि फेमिनिस्ट थीरीज को बेहतर समझा जा सके। इन 1989 लॉयर एंड थियोरिस्ट कैमरल क्रेनशॉ डेवलप्ड इंटरसेक्शनलिटी टू शो हाउ समवंस वेरियस आइडेंटिटीज, रेस, क्लास, जेंडर, ETC और लेव टू इन्फ्लुएंस हाउ दे आर क्रिएटेड। दिस थीरी लेड टू इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। तो ये जो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था इंटरसेक्शनलिटी का, तो ये इससे क्या बन गया था, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इसमें आपकी जो डिफरेंट जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो जो है, मतलब उन सबको ओवरलैप करके उससे जो है एक किस्म का, हम कह सकते हैं जो आप पे एक किस्म का जुल्म होता है, वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम आगे भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट फॉर्म्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द मल्टीपल वेज वुमेन आर ऑप्रेस्ड इन 1992 अदर रिवोल्यूशनरी स्कॉलर्स इनकॉर्पोरेटेड द आइडिया ऑफ इंटरसेक्शनलिटी इनटू देयर वर्क। जेड बटलर्स जेंडर ट्रबल, इसने एक बुक लिखी थी जेंडर ट्रबल के नाम से, ठीक है, इसमें भी बड़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसी तरह फेमिनिज्म एंड द सब
सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी एंड पेट्रियाका हिल कॉलियंस ब्लैक फेमिनिस्ट, तो नॉलेज कॉन्शियसनेस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट, बोथ अप्रोच फेमिनिस्ट थियरी बाय स्टडिंग वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है? इंक्लूड एवरीवन, ठीक है। मतलब इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें थर्ड वेव फेमिनिज्म के, तो इसमें क्या है कि मेक श्योर फेमिनिज्म स्पीक्स फॉर ऑल वुमेन, मतलब आपने सबको इंक्लूड करना है, चाहे वो कहीं किसी भी मुल्क में हो, तो उनके राइट्स की आपने बात करनी है। दूसरा पॉइंट है डाइवर्स वॉइस, वैल्यू एंड हाईलाइट द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत है अगर यहाँ पे उस पर जुल्म हो रहा है तो पूरी दुनिया में उस पर वही जुल्म होगा। इट मीन्स डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे अमेरिका में डिफरेंट है, इसी तरह पाकिस्तान में डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट है, मतलब फीमेल से रिलेटेड जो उस पर एक किस्म का हम कह सकते हैं ऑप्रेशन होता है। ब्रेक जेंडर रूल्स, चैलेंज ओल्ड आइडियाज़, मतलब आपने जो एक जेंडर जो आपने कंस्ट्रक्ट की होती है रूल्स वगैरह कि फीमेल ने ये करना है, मेल ने ये करना है, तो इनको जो है ब्रेक करना है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। यूज़ न्यू मीडिया, इसका क्या मतलब है? स्प्रेड फेमिनिस्ट आइडियाज़ थ्रू द इंटरनेट सोशल, यानी जो फेमिनिस्ट आइडियाज़ हैं, अब ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, मीडिया का दौर है, जो आप कुछ बोलते हैं तो डायरेक्ट वायरल हो जाता है। सो सेम टू सेम यहाँ पे भी यही चीज़ डिस्कस भी किया, जो हमारे जो आइडियाज़ हैं यानी जो फेमिनिस्ट थर्ड वे के जो आइडियाज़ थे या जो भी चीज़ें थी उसको जो है स्प्रेड किया जाए, किस चीज़ के थ्रू? मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू। पर्सनल एम्पावरमेंट है, उसकी बात की गई है। इसी तरह ग्लोबल परस्पेक्टिव की बात की गई है, कनेक्ट विद अदर मूवमेंट्स की बात की गई है टुगेदर, ठीक है, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इसकी बात की गई। ये यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये इजी है, इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है, पर्सनल एम्पावरमेंट या दूसरी चीज़ है। अब यहाँ से देखते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म लाइक अनीता हिल। यहाँ से जो केस हमें देखने को मिलता है अनीता हिल का, उसको हम देखते हैं। अक्टूबर 11, 1991 की बात है। द वर्ल्ड वॉच्ड एज अटॉर्नी अनीता हिल टेस्टिफाइड अगेंस्ट US सुप्रीम कोर्ट नॉमिनी क्लेरेंस थॉमस फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। इसने जो सुप्रीम कोर्ट का एक नॉमिनी था, नामजद उम्मीदवार था, उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इसने मुझे हरास किया है, ठीक है। इन द टेलीविजन हेयरिंग्स बिफोर द सेनेट जुडिशरी कमेटी हेल डिक्लेयर दैट थॉमस हैड रिपीटेडली हरास्ड हर व्हाइल शी वाज हिज एम्प्लॉय एट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। तो इसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जब ये इसके साथ काम करती थी, जब इसके एम्प्लॉय थी, तब उसने इसे हरास किया, तो यहाँ पर उस डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। According to Hill, when she worked as his aide, Thomas frequently pressed her to go on dates and often made sexually inappropriate comments during their work conversations. Despite his testimony, Thomas was still confirmed as a Supreme Court justice after the 3-day hearings. ठीक है, मतलब इसको जो है प्रेस किया जाता था कि भाई आपने मेरे साथ डेट पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो इस तरह जो है इसको जो है लाइक हरास किया जाता था। ऑल्दो बोथ थॉमस एंड हिल वर अफ्रीकन अमेरिकन, ये दोनों कौन थे? दोनों देखिए अफ्रीकन अमेरिकन थे। थॉमस बिलीव दैट द हेयरिंग अगेंस्ट हिम वॉज इक्विलियंट टू अ हाई टेक लॉन्चिंग। दिस मेटाफर सजेस्ट दैट ही वॉज बींग प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ हिज रेस, ठीक है। मतलब उसका ये मानना था कि मैं मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं जो हूँ बच जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी के रेस का बंदा हूँ। यानी इट मींस ये भी एक अफ्रीकन है, ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन है, ठीक है, इसी तरह मैं भी वही हूँ। एज दे बोथ टेस्टिफाइड बिफोर एन ऑल वाइट ऑल मेल कमेटी, अब एक कमेटी के सामने ये हाजिर होते हैं। द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ऑल्सो बींग launched and persecuted was not discussed. Lawyer and author of the intersectionality theory Campbell Crenshaw was a member of Hill's legal team. अब यहाँ पे एक जो member है उसका नाम भी लिखा गया है, ये इसके टीम का member था, किसके, ये क्या कहते हैं, अनीता हिल के, ठीक है। She later wrote that the belief that launching was the ultimate symbol of racist terror erased Black woman from the picture. In addition, one of the most prominent historical figures against the launching of African Americans was a black woman. ठीक है, after the hearings, African American feminists and historians across the United States come together and collectively raised $50,000
टू परचेज अ फुल पेज एड इन न्यूयॉर्क टाइम्स देयर मैनिफेस्टो इंटाइटल्ड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन इन डिफेंस ऑफ आवर सेल्व्स, ठीक है, वॉज साइंड बाई 1,600 वुमेन इंक्लूडिंग ब्लैक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन बारबना रनस बाई डेबोरा किंग एंड एलिजा बार्कले ब्राउन। ठीक है, ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन ये यहाँ तक जो है आपको पता होना चाहिए कि ये केस क्या था, क्यों हुआ और किसने किया, कौन था जो इसको हरास कर रहा था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को आप लोगों ने पेपर में लिखना है तो लिख लीजिएगा, बट यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। दोज वुमेन फोट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट, ठीक है, अब ये वही चीज़ें हैं जो नीचे पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। उसके बाद आता है द ईयर ऑफ द वुमेन, ठीक है, फॉर मैनी मैन स्ट्रीम, अब यहाँ पे ये जो केस है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ से एक दूसरी पैराग्राफ की हम शुरुआत करते हैं जिसका क्या नाम है, द ईयर ऑफ द वुमेन, फॉर मैनी मैन स्ट्रीम फेमिनिस्ट द हेल केस मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन वुमेन्स एक्टिविज्म, नॉट ओनली वर वुमेन स्पीकिंग पब्लिकली अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट बट द विजिबिलिटी ऑफ द केस आल्सो कॉज्ड वुमेन टू क्वेश्चन द मेल डोमिनेंट लीडरशिप इन कांग्रेस। अब एक तो मतलब जो फीमेल है उनको मौका मिल गया कि भाई अब हम भी जो है बोल सकते हैं जिन्होंने हमें हरास किया, बल्कि एक सवाल इन्होंने ये भी उठाया कि भाई मेल ही क्यों डोमिनेंट है कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस जो है अमेरिका से रिलेटेड है। बिफोर द हेयरिंग 7 डेमोक्रेटिक वुमेन फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड ओवर टू द सेनेट टू डिमांड अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्विजिशंस अगेंस्ट थॉमस, ठीक है, फिर एक मार्च जो है स्टार्ट होती है वुमेन की, वो भी कहती है कि भाई इसकी जो है एक और तफ्तीश होनी चाहिए जो इल्ज़ाम थॉमस पे लगाया गया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक वुमेन थी। Although she was still confirmed as a justice, feminists began to push for a more active role in political leadership. The very next year, more women were elected to Congress on voting day than any previous decade that were became known as the year of the women, and 27 women were elected to Congress. अच्छा, आपने देखा होगा जो यहाँ पे हमने स्टार्ट में लिखा था कि ये द ईयर ऑफ द वुमेन, द ईयर ऑफ द वुमेन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पहली दफ़ा कांग्रेस में ज़्यादा सीटें जो थी वो कौन जीती थी, फीमेल। यहाँ पे जैसे मेंशन भी है 27 वुमेन जो है वो सेलेक्ट हुई थी कांग्रेस के लिए, पहले कम थी इनकी तादाद, ठीक है, तो इसलिए इस साल को जो है द ईयर ऑफ द वुमेन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। वन ऑफ द अर्ली वुमेन्स ग्रुप्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द ईयर ऑफ द वुमेन वाज एमडीज। अब यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस आपको इतना पता चल गया है कि गियर ऑफ द वुमेन का क्या कंसेप्ट है और किसने स्टार्ट किया था, कितनी वुमेन थी जिन्होंने जो सेलेक्ट हुई थी, और कुछ नाम्स ये नीचे मेंशन है। फिर उसके बाद है राइट गर्ल मूवमेंट, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये एक म्यूज़िक से रिलेटेड है, ठीक है, म्यूज़िक के थ्रू जो है फीमेल को जो है मतलब जैसे यहाँ पे कह के इन एडिशन टू पोलिटिकल एफिनिटी ग्रुप्स punk rock musicians also began to emerge with distinctly feminist agendas responding to various forms of sexism feminist racism decided to organize a girl right through their activism these women started their own bands and created their own publications dedicated to women's empowerment matlab ek music hota hai na jisme aap show karte ek power ek empower karte kisko kisi bhi gender ko jaise yahan pe female ki baat ho rahi to female ko jo hai empower kiya jata tha music ke through theek hai सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है सेकेंड वेव फेमिनिज्म एज टू वाइट सेंट्रिक, जो सेकेंड वेव था ये ज़्यादातर वाइट मतलब जो फीमेल वाइट फीमेल थी उनसे रिलेटेड था, मतलब वो अपने जो मसाइल थे सामने रिप्रेजेंट करते थे, बाकी ब्लैक फेमिनिज्म की बात नहीं होती, दूसरे फेमिनिस्ट फेमिनिज्म की बात नहीं होती थी। द सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो कि स्टार्ट हुआ था 1960 से 1980s तक has been criticized for being too white centric because it primarily focused on issues pertinent to white middle class women, yani ye jo inka system tha wo zyada tar white se related tha, white ke issues ko focus karna, white women ke issues ko focus karna, such as workplace inequality and reproductive rights. It is often overlooked the intersecting ideas of race, identities of race, class and sexual orientation, marginalizing women of color, working class women and LGBTQ individuals. Activists and scholars like bell hooks and Audre Lorde highlighted these shortcomings, called for a more inclusive feminism. These critiques paved the way for the third wave feminism, which embraced
डाइवर्सिटी एंड इंटरसेक्शनलिटी। फिर उसके बाद है एलिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन फ्रॉम रेडिकल फेमिनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल फेमिनिज्म का आप लोगों को पता है कि ये भी सेकेंड वेव फेमिनिज्म के साथ ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये एक टाइप है फेमिनिज्म के, लेकिन एक मूवमेंट जो थी वो कौन सी थी, सेकेंड वेव थी। तो रेडिकल फेमिनिज्म में क्या था, रेडिकल फेमिनिज्म में ऑब्वियसली वो बात करते थे, मतलब मुकम्मल तौर पे जो है एक हम कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी टाइप फेमिनिज्म थी, ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि मेल को बिल्कुल मानते ही नहीं थे, ठीक है, एक किस्म का रेवोल्यूशन चाहते थे, रिफॉर्म्स की बात नहीं करते थे। अगर हम देखें लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म में फ़र्क क्या है, लिबरल फेमिनिज्म क्या था, वो रिफॉर्म्स की बात करते थे, ठीक है, लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म रिफॉर्म्स को भी तरजीह नहीं देते थे, ये किस्म का रिवोल्यूशनरी फेमिनिज्म था। रेडिकल फेमिनिज्म समटाइम्स एलिनेटेड ऑर्डिनरी वुमेन ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज इंक्लूसिवली एंड फोकस ऑन सिस्टमेटिक पैट्रियार्की, इट्स इंट्रेंस एंड ओपन एंड कम्प्रोमाइजिंग स्टांसेस अलोंग विद एडवोकेसी फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक सेपरेटिज्म मेड इट लेस रिलेटेबल एंड एक्सेसिबल, द वुमेन्स फोकस ऑन इशूज लाइक फोनोग्राफी एंड क्रिटिक्स ऑफ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स डिड नॉट ऑलवेज इनलाइन साइन विद द इमीडिएट पैट्रियार्कल प्रैक्टिकल कंसर्न्स ऑफ मैनी वुमेन लीडिंग टू अ डिसकनेक्ट। अब इसको बाद है इंटरसेक्शनलिटी और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनलिटी जो है ये एक फ्रेमवर्क है, दैट अब मैंने बताया था ना पिछले साल में कि मैं इंटरसेक्शनलिटी को आपको क्लियर करके बता दूंगा कि क्या मतलब है। अब इसको ध्यान देखते हैं, इंटरसेक्शनलिटी को देखो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। तो इंटरसेक्शनलिटी क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है दैट एग्जामिन्स हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन सोशल एंड पोलिटिकल आइडेंटिटीज एग्जाम्पल रेस जेंडर क्लास सेक्सुअलिटी कम्बाइन टू क्रिएट यूनिक मोड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेज। कॉइंड बाय कैमरली क्रैनशॉ इन 1989 इट हाईलाइट्स दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन डोंट एक्ट, ठीक है, डोंट एक्ट इंडिपेंडेंटली बट इंटरसेक्ट शेपिंग द एक्सपीरियंसिस ऑफ मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स। दिस अप्रोच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिस्टमेटिक इनजस्टिसज एंड सोशल इनइक्वालिटी मोर कम्प्रीहेंसिवली। फॉर एग्जाम्पल अ लैटिन वुमेन हु इज ऑल्सो लो इन हु इज ऑल्सो लो इनकम शी माइट फेस यूनिक चैलेंजेस एट वर्क, जिसे कौन कौन से चैलेंज, शी कुड एक्सपीरियंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज शी इज वुमेन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज शी इज लैटिना। अब देखो ये एक फ्रेमवर्क है इंटरसेक्शनलिटी, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी कि एक लैटिन वुमेन होगी अगर उसका एक लो इनकम है तो वो किस तरह डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करेगी। सबसे पहला क्या है, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, शी कुड एक्सपीरियंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज शी इज़ वुमेन, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वुमेन है, ठीक है। दूसरा क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्योंकि वो एक लैटिना है, ठीक है, एंड इकोनॉमिक बैरियर्स क्या है, क्योंकि उसकी लो इनकम है। तो ये देखो एक फ्रेमवर्क बन रहा है जिसकी वजह से उसको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। दीज कंबाइंड फैक्टर्स क्रिएट अ डिफरेंस एग्जाम्पल्स फॉर हर टू comprehend to someone who is only dealing with one type of discrimination. Intersectionality helps us understand and address these complexes, overlapping issues. फिर इसके बाद है increasing globalization. इसका तो simple मतलब ये है कि जैसे globalization का क्या मतलब है, मतलब दुनिया में जो है जैसे अब आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी देख सकते हैं, दुनिया जो है वो globalized है, ठीक है। इट एक्सपेंड्स बियॉन्ड द अर्लियर वेव्स फोकस ऑन इश्यूज प्राइमरली अफेक्टिंग वेस्टर्न वुमेन एड्रेसिंग अ ब्रॉडर रेंज ऑफ कंसर्न्स दैट इम्पैक्ट वुमेन वर्ल्ड वाइड। देखो अब यहाँ पे वर्ड भी यूज हुआ है वर्ल्ड वाइड, इट मीन्स पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ अगर एक फेमिनिज्म का एक कंसेप्ट अगर अमेरिका में स्टार्ट होता है सो इट मीन्स वो सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया उसे देखेगी, क्या पता वो पूरी दुनिया में सेम वही चीज़ कॉमन हो, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन में आ जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्या कंसेप्ट है, अगर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पे देखें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये भी एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पहले समझते कि ये क्या है, ये मिड 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इमर्ज हुआ। अच्छा ये एक रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। स्ट्रक्चरलिज्म एक अलग कंसेप्ट है, आप इसके पीछे फिलहाल ही पढ़े, फिलहाल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्या कंसेप्ट था, उन्होंने एक चैलेंज किया था किस चीज़ को, स्ट्रक्चरलिज्म को। अब वो चैलेंज क्या था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो फिक्स होती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि भाई नहीं, फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरिस्ट सच एज जेड बटलर एग्री द जेंडर इज़ नॉट अ फिक्स्ड बायोलॉजिकल
और नेचुरल एट्रीब्यूट बट अ परफॉर्मेंस एंड सोशल कंस्ट्रक्ट। दिस मीन्स दैट व्हाट सोसाइटी कंसिडर्स मैस्कुलिन और फेमिनिन इज क्रिएटेड थ्रू रिपीटेड बिहेवियर्स एंड कल्चरल नॉर्म्स। मतलब ये जो फीमेल मेल का कंसेप्ट है ये सोसाइटी क्रिएट करती है, नेचर में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये उस चीज़ को चैलेंज करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ये कहते हैं कि भाई कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सॉ बाइनरीज मेल एंड फीमेल एज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड टू मेन द पावर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। रिजेक्शन ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म कंसेप्ट, ठीक है, ये भी एक अलग कंसेप्ट है। अगर आपने सेकेंड वेव को समझना है, जैसे मैंने बताया ना कि इस पर वीडियो बनी है, तभी आपको इस पॉइंट की, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जिसको थर्ड वेव फेमिनिज्म इज कंसर्न विद एस्टेब्लिशिंग अ न्यू क्रिटिकल ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिंग अलायंसेज बिटवीन ब्लैक। तो इसमें क्या है, मतलब एक किस्म के अलायंसेज बनाना, जैसे ब्लैक फेमिनिज्म होगा, डायस्पोरा एंड सबल्टेरियन फेमिनिज्म। दिस अप्रोच रिकग्नाइजेज दैट वुमेन्स एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल्स आर शेप्ड बाई ग्लोबल फोर्सेज सच एज कॉलोनियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये इसका कंसेप्ट आगे भी हम देखेंगे, लेकिन जैसे पोस्ट आपके ओबियसली पोस्ट कॉलोनियल आपके कॉलोनीज़ वगैरह में जो उन पर जुल्म होता था, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर ओबियसली सारे ममालिक तो आज़ाद हो गए, तो कहते हैं कि भाई अब उनके साथ एक अलाइंस बननी चाहिए, ठीक है, उनके इशूज़ को भी डिस्कस करना चाहिए, या उस वक्त उन्होंने जो इशूज़ फेस किए थे, ये सारे पर हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डिस्कस करें। उसके बाद है कि की पॉइंट्स ऑफ थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, रिजेक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स। थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस द आइडिया दैट देयर इज अ सिंगल यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ वुमेनहुड और फेमिनिज्म। फॉर एग्जांपल, इट एक्नॉलेजेस दैट अ वुमेन्स एक्सपीरियंस इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी लाइक सऊदी अरबिया मे बी वेस्टली डिफरेंट फ्रॉम अ वुमेन्स एक्सपीरियंस। यानी ये कहते हैं कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स को रिजेक्ट करते हैं, मतलब जैसे सऊदी है वहाँ पे फीमेल का डिफरेंट कंसेप्ट होगा, मींस वो डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, अमेरिका में डिफरेंट, पाकिस्तान में डिफरेंट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। उसके बाद है एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड प्योरिटी। उसके बाद है इंटरसेक्शनलिटी, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद है क्रिटिक ऑफ पावर डायनेमिक्स है, लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन है, पर्सनल नेरेटिव्स हैं, इसी तरह क्रिटिकल क्रिटिक्स हैं, ठीक है, कल्चरल क्रिटिक्स है। फिर उसके बाद है इम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म जिसमें ब्लैक फेमिनिज्म है, यानी जो ब्लैक फेमिनिज्म से क्या मतलब है, जो ब्लैक फेमिनिज्म है यानी जो नेग्रो है उनके इश्यूज़ को डिस्कस करना, ये ब्लैक फेमिनिज्म में आएगा। फिर पोस्ट कॉलोनियल है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डेल्ट फेमिनिज्म क्या है, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था, इसमें जो लोअर क्लास है वो जो है मतलब समटाइम डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, तो उस चीज़ को लेके ये जो है इसका नाम क्या रखा गया है, डेल्ट फेमिनिज्म। इसी तरह ट्रांस फेमिनिज्म है, ये भी इजी है, ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, इट मीन्स वीडियो एक घंटे तक भी जा सकता, तो ये इजी है एक्सप्लेनेशन है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको देखो सब कुछ बता दिया कि इम्प्लिकेशंस में क्या कहा गया, ब्लैक फेमिनिज्म आएगा, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल आएगा, डेल्ट फेमिनिज्म आएगा, ट्रांस फेमिनिज्म आएगा, इसी तरह पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म आ जाएगा, ट्रांसवर्सल पॉलिटिक्स आ जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे जो है फिर अगर हम इसके गोल्स देखें तो गोल्स में क्या है, रिजेक्शन ऑफ सेकेंड वेव रेडिकलिज्म, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, लेस डोमिनाइजेशन ऑफ मैंस रिप्रोडक्टिव राइट्स, रिक्लेमिंग डिग्रेगेटरी वर्ड्स, सेक्सुअल लिबरेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी। फिर अगर हम क्रिटिसिज्म देखें, इस पर डिफरेंट क्रिटिसिज्म भी हुई है थर्ड वेव पे, जैसे लेक ऑफ कोहिजन है, ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन है और एग्जाम्पल समेत हैं, ठीक है। ओवर एम्फसाइज ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल्स है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है। कमर्शलाइजेशन है, कमर्शलाइजेशन में यानी फीमेल को क्यों यूज़ किया जाता है, आपने अमूमन देखा होगा जहाँ पे एड्स होते हैं वहाँ पे फीमेल को यूज़ किया जाता है। इसी तरह एक्सक्लूजन ऑफ मैन है, जैसे इन्होंने एक हैशटैग यूज़ किया था किल ऑल मैन, भाई किल ऑल मैन कैसे होंगे, अगर आप मर्द को ही मार देंगे तो कौन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको भी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था, इनके अपने फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था। इसी तरह एकेडमिक फोकस है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, निगलेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। इसी तरह अगर हम मेजर प्रोपोनेंट्स की बात करें थर्ड वेव फेमिनिज्म के, जिसमें रेबिका वॉकर है, बेल हुक्स हैं, ठीक है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस हुई है। इसी तरह किम्बरली क्रेनशॉ है, जेड बटलर है, जेनिफर बोमरगेंद्रर है एंड एमी रिचर्ड्स हैं, राइट गर्ल मूवमेंट है, अनीता हेल है, ये तो डिस्कस हो गया है, ये भी डिस्कस हुआ है, बाकी ये छोट छोट एक्सप्लेनेशन है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जेसिका
वॉलंटरी है, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।